जो है उससे देश के अल्पसंख्यकों को कोई नुकसान नहीं है। आपका क्या मानना है किस तरह से ये नुकसानदेह है? ये सर्वविदित है कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत का जो गृह मंत्री ये झूठ बोलने में सबसे पहला नंबर है, इसलिए वो लोगों को गुमराह कर रहा है। जिस चीज को राष्ट्रपति के द्वारा लागू कर दिया गया है उस चीज के लिए डिनाई करके लोगों को गुमराह कर रहा है। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मनुवादी विचारधारा है, ये गोलवल करके विचारधारा है जिसको थोपा जा रहा है। इसके पीछे कौन है उस पंडित, उसको मोहन भागवत को हम पहचान रहे हैं। पंडित मोहन भागवत, तुमको हमने पहचान लिया है। आज हम कार्यालयों पर, सरकारी कार्यालयों पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। याद रखना, कल हम तुम्हारे कार्यालयों पर आएंगे। हमको पता है तुम्हारे जितने भी कार्यालय हैं वो आतंकवाद के अड्डे हैं। तुम विस्फोट करते हो, नाम मुसलमान का लेते हो, तुम्हारे लोगों को बरी करते हो, दूसरे लोगों को फांसी की सजाएं दिलाते हो। ये वक्त बदल गया है। तुमने 94 साल के अंदर जो तैयारी की है, यदि मुसलमान ने तय कर लिया तो 94 महीने के अंदर तुमको छका देंगे हम, और हम बता देंगे कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। हम उस देश के वासी हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ के इतिहास को बदल दिया है। हमने यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जिनको देखने के लिए लोग आते हैं। मैं मोदी से पूछता हूँ, तुमने लेटरिन के अलावा कुछ बनाया? क्या देखने आएंगे लोग बाग? हमने बनाया, हमने इतिहास रचा है। और अब फिर अगर तुम में सुधार नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम बेहतरीन इतिहास रचेंगे। और भारत के SC ST OBC लोग जो अभी नहीं समझ रहे हैं, जिनको सेकंड फेज के अंदर तुमको बाहर निकालने की कार्रवाई है, हम उनको समझाएंगे। हमारे साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। ये 3% RSS के लोग इस देश में को बदल नहीं सकते, हम बदल देंगे। ऐसे ऐसे आतंकवादी और इस प्रकार से अत्याचारी और इस प्रकार के हत्यारे जो शासन में आए हैं, ये पहले भी आते रहे हैं। और ये ऊपर वाले की डोर है जो जिस वक्त चलेगी उस वक्त ये कोई नहीं बचेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि समझ जाए वो, और वो इस NRC को वापस लें और ये CAA कानून में संशोधन करें। और अगर नहीं किया तो ताल से ताल बजेगी और ये 1947 वापस होगा।